नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं द भारत खबर। द भारत खबर की चुनावी यात्रा पंजाब के अलग अलग हलकों से होते हुए फिलहाल सुजानपुर पहुंच चुकी है। विधानसभा हलकों की बात करें तो ये सबसे पहला यानी विधानसभा क्षेत्र पंजाब का पड़ता है। एक तरफ जम्मू कश्मीर लगता है, एक तरफ हिमाचल प्रदेश लगता है, और यहाँ पर 2007 से लगातार बीजेपी के विधायक जीतते आए हैं। दिनेश सिंह मौजूदा विधायक हैं और 3 बार यहाँ से जीत चुके हैं, यानी जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं। अब आगे क्या जनता सोच रही है, ये तमाम सवाल लेकर हम यहाँ पर पहुँचे हैं। ये मेन बाज़ार है यहाँ का, सुजानपुर का। यहाँ के तमाम लोगों से हम बात करेंगे। हाँ जी, बताएं फिर क्या चाहते हैं आप, अबकी बार किसकी सरकार? हाँ जी, अबकी बार किसकी सरकार चाहते हैं? लोग है कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी, हाँ जी। क्या अच्छा लगता है कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस पार्टी अच्छी पार्टी है। अच्छी पार्टी, हाँ जी। कराए? हाँ, काम बसेरे काम करा रहे हैं। काम हुआ है, गलियों काम हो रहा है, गलियों का, नालियों का, सड़कों का सारा काम हो रहा है। हाँ जी, ठीक है। कुछ और लोग हैं, उनसे पूछ लेते हैं। हाँ जी, क्या हाल है आपके? बढ़िया जी। एक बात बताई जाओ हमें, चुनाव आ गया, क्या माहौल बन रहा है यहाँ? बढ़िया माहौल। किस पार्टी का? कांग्रेस का। कांग्रेस पार्टी ने कुछ काम वाम आपको लगता है कि करवाए हैं या क्या? करवाए। क्या काम हुआ है? बढ़िया हो रहा है, जो भी हो रहा है। ऐसा क्या काम है कि आपको लगता है कि साहब इस काम के बिहाब पर जनता दोबारा से उनको मौका देगी कांग्रेस पार्टी? सर, एक तो स्कूल उन्होंने बढ़िया बनाया, अभी चन्नी साहब आए हैं, बढ़िया साल पर तो लगातार बीजेपी जीतती आई है सुजानपुर में। अब की बार लगता है कि कुछ बदलेगा? हाँ, लगता है। देखते हैं क्या बदलता है। यहाँ कुछ और लोग हैं। हाँ जी, कैसे हैं मित्र आप? बढ़िया जी। चुनाव आ गया है, क्या चाहते हैं अब की बार, किस पार्टी का विधायक यहाँ से बने? क्योंकि लगातार बीजेपी के विधायक यहाँ से बन रहे हैं, 3 बार हैट्रिक लगा चुके हैं। अब की बार कुछ माहौल बदल रहा है या लगता है वही है? कुछ नहीं बोल सकते, दोनों सेम ही है। कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है, कोई एक टक्कर है, टक्कर है, टक्कर। इनको लगता है कि साहब टक्कर है। चलिए अंकल जी से पूछते हैं, कैसे हैं अंकल जी? अंकल जी, एक बात मैं जानने आया हूँ, चुनाव आ गए, क्या माहौल बन रहा है सुजानपुर की जनता अब की बार क्या सोच रही है? मिक्स होगा इस बार। मिक्स से क्या मतलब? कोई इतना है नहीं है, ना ही पूरा कांग्रेस का है तो ना ही बीजेपी का है। अच्छा, किसका जो? देखो इस बार अकाली क्या करते हैं। अकाली? आपका तो इधर आपका नहीं है, हमारे इधर आपका भी नहीं है, इधर आपका नहीं है, अकाली का जोर है। हाँ, अब की बार क्योंकि बीजेपी अकाली अलग अलग लड़ रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि साहब अब की बार अकाली का जोर है। पहले यहाँ से बीजेपी बनती आई थी, मगर उस वक्त क्योंकि अकाली और बीजेपी का गठबंधन हुआ करता था, अब की बार मामला थोड़ा अलग है। कैसे हैं अंकल जी? एक बात मैं आपसे जानने आया हूँ, चुनाव वुनाव आ गए, क्या माहौल बन रहा है? बनता ही रहता है जी, कोई पता नहीं अभी। अच्छा, अभी कोई पता नहीं है। सुजानपुर हलका जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण हलका है, यहीं से विधानसभा शुरू होती है, एक नंबर विधानसभा है। तो एक नंबर पे कौन सी पार्टी चल रही है इस वक्त? तो बीजेपी का है। अच्छा। मगर इस बार मुश्किल है, अबकी बार मुश्किल है, मुश्किल है क्योंकि हैट्रिक बीजेपी के लगा चुके हैं दिनेश सिंह। नहीं, अबकी बार मामला नहीं जम रहा है। देखो, रघुनाथ साहब पूरी 2 बार जीते थे लगातार, उसके बाद ये 3 बार जीते हैं, तो उसके बाद बस नया आएगा? कोई नया? बिल्कुल नया आएगा। नया मतलब पार्टी नहीं या लगता है कोई नहीं। जब नया आएगा तो नेचुरली पार्टी ने अलग से होगी। अच्छा, वो सेम का माहौल बन रहा है, ये कुछ नहीं कह सकते अभी। अभी अभी तो सभी का रोला रपाई है अभी तो। अच्छा। अभी सब आप सभी अपना अपना राग डफली बजा रहे हैं बस, क्योंकि अब की बार तो अकाली और बीजेपी जो हैं वो अलग अलग हैं, तो जाहिर तौर पर पहले तो इकट्ठे थे, अब की बार लगता है कि अकाली का भी कुछ माहौल बनेगा यहाँ? उतने वोट है नहीं है उनके। आम आदमी पार्टी का क्या है? पिछली बार 2000 वोट ले गए, 3000 ले जाएंगे और क्या होगा? तो टक्कर फिर लगता है बीजेपी कांग्रेस में वही रहेगी। ठीक, उनका दोनों का घर है पुराना, दोनों चलते हैं पुराने। अच्छा, ये एक तो बार वो एक बार वो, ये अच्छा। ये तो सब नए खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो 3 बार अब दिनेश जीत गए हैं, आप ये कह रहे हैं कि अब की बार चांस कांग्रेस का बन रहा है? नेचुरली। इनका ये मानना है कि अब की बार माहौल जो है कांग्रेस के पक्ष में लग रहा है। हाँ जी, कैसे हैं आप? एक बात, हाँ जी, कैसे हैं आप? बढ़िया जी। मुझे एक बात बताएं, चुनाव वुनाव आ गए हैं, क्या माहौल बन रहा है सुजानपुर की जनता, क्या सोच रही है? बढ़िया, जो
अच्छा काम करेगा वही वोटों का हकदार होगा। कोई पार्टी आपको लगती है कि साहब ये जो पार्टी है ये ठीक है, इसके विधायक ठीक हो सकते हैं? देखिए अभी हम ऐसा कुछ नहीं कह सकते, इट्स डिपेंड अपॉन द वर्क, द पर्सन हु वर्क वेल ही विल गेट द। क्योंकि बीजेपी की जो विधायक हैं दिनेश, वो तो लगातार 3 बार जीते हैं यहाँ से, 2017 में वही जीते थे तो उनका काम भी आपने देखा होगा, उससे पहले कांग्रेस थी यहाँ पर, तो इन पार्टियों का काम आपने देखा होगा। लगता है कि इन पार्टियों का जो कोई काम ऐसा है कि जनता इन पर विश्वास कर सकती है, या लगता है कि कोई नई पार्टी को मौका मिल सकता है? नहीं सर ऐसे नहीं है, हम सभी अच्छे हैं, सभी ने अपना अपना कार्य अच्छा किया अपने अपने टाइम पे, तो ऐसे इन फ्यूचर कौन क्या करेगा वो तो टाइम ही बताएगा ना, तो उस वजह से ऑल गुड। चलिए कुछ और जो लोग हैं उनसे जानते हैं सर, उनका ये कहना है कि वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे लोग उस बारे में विचार करेंगे। क्या माहौल बन रहा है इस बार सुजानपुर? सर माहौल तो हम पार्टी है ना, मैं मुलाजिम बंदा, मैं राजनीति रहा है नहीं। मुलाजिमों के लिहाज से क्या लगता है, क्योंकि मुलाजिमों के लिहाज से भी घोषणाएं हो रही हैं अलग अलग तरह की जा रही हैं, लगता है कोई पार्टी ठीक है साहब मुलाजिमों के लिए, ये पार्टी ठीक रहती है? बढ़िया चाह रहा शहर काम कुम कराए, बस यही सब चाह रहा है, काम होने चाहिए सारे गरीब जनता रे, ये चाह रहा बस। चलिए हाँ जी, कैसे हैं आप मुझे ये बताएं, चुनाव वुनाव आ गया है, क्या माहौल बन रहा है सुजानपुर की जनता आपकी बार क्या चाहती है? सुजानपुर की जनता सर बदलाव ही चाहती है बस। बदलाव से क्या मतलब समझें कि बदलाव में किसको मौका मिलेगा, पहले से जो पार्टियां हैं उनको, या फिर लगता है कि साहब नई पार्टियों में फेहरिस्त भी लंबी है? नई पार्टी आए, नई से क्या मतलब, पार्टियां बहुत हैं, कुछ ना कुछ तो सुधार होगा, पहले तो सुधार कोई भी नहीं है। अच्छा अभी सुधार देखो, नई पार्टी आएगी तो फिर कुछ देखो क्या बनता है। नई तो अब की बार बहुत हैं पार्टियां, पार्टी तो बहुत है, टीएमसी भी है, कैप्टन अमरिंदर ने पार्टी बना ली, सुखदेव ढींडसा, आम आदमी पार्टी, हमें तो सुधार चाहिए, कोई भी पार्टी आए नहीं आए पर सुधार चाहिए, सुधार चाहिए बस। चलिए ये कह रहे हैं कि साहब नई पार्टी को मौका मिलना चाहिए और सुधार चाहिए, बिल्कुल ठीक है सर। हाँ जी सर कैसे हैं, मामला बड़ा ठंडा चल रहा है बाजार में? बाजार में ठंडा चल रहा है, सर्दी नहीं है। तो मुझे एक बात बताएं आप, चुनाव आ गए हैं, क्या माहौल बन रहा है सुजानपुर में? बस ये तो यहाँ वालों को पता, हम तो बाहर के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले? सहारनपुर। सहारनपुर, यूपी का माहौल तो पता करते रहते होंगे? हाँ यूपी का सही बनना हो। क्या, किसका? कांग्रेस का। अच्छा हाँ, योगी को पसंद नहीं कर रहे हैं? आपका कांग्रेस का चल रहा है, कांग्रेस, हाँ जिला सहारनपुर में। ठीक है चलिए चलिए, बाहर के जो लोग हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि कई लोग काम करने यहाँ पर आते हैं, बाहर के प्रदेश से आते हैं, तो तमाम लोग भी मिलते रहते हैं, उनसे भी पूछते रहते हैं हम कि माहौल आखिर बन क्या रहा है। हाँ जी सर कैसे हैं आप? सर मुझे एक बात बताएं, चुनाव का माहौल बन रहा है, सुजानपुर की जनता आपकी बार क्या चाहती है, किसको आशीर्वाद दिया जाए, कौन सी पार्टी ऐसी लगती है कि साहब ये बने तो बेहतर होगा सुजानपुर के लिए? देखिए सुजानपुर में जो काम करेगा उसी को वो डलेगा, सुजानपुर की जनता सिर्फ काम चाहती है और कुछ नहीं। तो कोई पार्टी, क्योंकि आप लोगों के पास लगातार 3 बार तो दिनेश ही जीते आए हैं, अभी जो विधायक हैं उससे पहले कांग्रेस थी, तो किसका काम ठीक लगता है, या लगता है कि नई जो पार्टियां आपके बीच आ रही हैं, कैप्टन अमरिंदर हैं, सुखदेव ढींडसा हैं, अब की बार तो अकाली भी बीजेपी से अलग होकर लड़ रहे हैं, या फिर आम आदमी पार्टी है, इनमें से मौका मिलना चाहिए या पुराने वालों में से ठीक है मामला? नहीं दिनेश जी ने अच्छा काम किया है, उनका काम बुरा नहीं है, उन्होंने 15 साल काम किया, अच्छा काम किया उन्होंने, मेरे को लगता है जनता इस बार भी उन्हीं को मौका देगी। बाकी वोट है, वोट को किसी को भी डाल सकता है, लेकिन सुजानपुर की जनता उसको वोट डालेगी जो काम करेगा, काम करेगा। बिल्कुल ठीक है सर, काम के नाम पर वोट डालनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ नेता को देख के वोट नहीं डालनी चाहिए, काम वाम देखना चाहिए। हाँ जी कैसे हैं आप? बढ़िया है। क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार। सुरेश जी मुझे ये बताएं, चुनाव आ गया, क्या माहौल बन रहा है यहाँ? पता नहीं सर, टाइम बताएगा। वोट डालते हैं आप? नहीं मैं नहीं डालता, किसको डालना वोट? क्यों वोट क्यों नहीं डालता? वोट तो डालनी चाहिए। खुद समझदार हो आप। नहीं, लोकतंत्र में भागीदारी होनी चाहिए आपकी, वोट तो आपके पास बहुत बड़ा अधिकार है, आप डाल के किसी सरकार को बदल सकते हैं, वोटर के पास सबसे बड़ा
हथियार यही होता है। हक आप जब चुनाव आता है तो कोई पसंद ना उसको बदल दो, जो पसंद हो उसको लेकर बदलता है, कोई बदलता है जब बन जाए तो बदलता है। तो फिर वोट तो डालें, चाहे नोटा पे डालें, अगर कोई कैंडिडेट पसंद नहीं है नोटा पे देखें, जब इलेक्शन आएगा तब देखेंगे। लोकतंत्र में भागीदारी कोई। हाँ जी, कैसे हैं सर? ठीक सर। सुजानपुर वाले क्या करेंगे अब की बार, बताएं जरा। जो भी आएगा देखेंगे, वो भी आएगा। पार्टी आपको क्या लगता है कि किस पार्टी का थोड़ा ठीक सिस्टम बन रहा है अब की बार, या मुकाबला है पार्टियों के बीच में, क्या लग रहा है अभी? कांग्रेस पार्टी अच्छी है। वैसे तो आपके विधायक जो हैं वो तो बीजेपी के हैं, फिर भी क्या काम कांग्रेस पार्टी, क्योंकि सत्ता में प्रदेश में कांग्रेस पार्टी है, काम वाम कुछ करवा पाए हैं? हाँ, काम कराया है इसमें, नगर कौंसिल में भी कांग्रेस की है। काम बहुत अच्छे कर रहे हैं। क्या क्या काम हुए? सभी जो भी काम होते हैं गलियों में, जो भी काम है इधर काम लगा हुआ है, गली गली बन रही है, सब ठीक है। बाकी स्कूल का, अस्पताल का, उसका क्या स्थिति है? अस्पताल भी अच्छा है। अच्छा, ठीक है, मतलब चीज़ें ठीक हैं, डॉक्टर वॉक्टर मिल गया। हाँ चलिए, बिल्कुल, काम जो करवा रहा है उसको वोट दीजिए सर, जो काम करे उसको वोट दीजिए, जो काम नहीं करे उसको हटा दीजिए, ठीक है। हाँ जी, कैसे हैं आप? हाँ ठीक ठाक भैया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक कुमार है। अशोक जी, ये बताएं अब की बार क्या लग रहा है, सुजानपुर में क्या माहौल बन रहा है? नहीं अभी तो कोई पता नहीं लग रहा है भैया। अच्छा, अभी अले चला कोई नहीं, कहते इधर कोई नहीं जा रहा अभी। पार्टी लगती है कि सुजानपुर के लिए ये पार्टी ठीक है सर? अभी कोई पार्टी नहीं भैया सही लग रही। अच्छा, अभी चला कोई नहीं, अभी तो। अच्छा, कब तक लगेगा पता? देखो चुनाव नज़दीक जाएगा तब। हाँ, और 10-15 दिन तक लग जाएगा पता। अच्छा ठीक है, चलिए। कुछ जो लोग हैं उनसे जानते हैं कि क्या चाहते हैं वो लोग। हाँ जी सर, कैसे हैं आप? चाय की तरह राजनीति भी बड़ी भारी गर्म जी सर। क्या माहौल बना रहे हैं सुजानपुर वाले इस बार? माहौल बढ़िया बन रहा है, मार्केट का बहुत बढ़िया है। किसी पार्टियों के बीच में 2-3 के टक्कर है, या लगता है कि साहब अब की बार तो इस पार्टी का विधायक सारा घमासान टक्कर होगी, सभी के सभी सही है। आम आदमी पार्टी भी सही है। अच्छा, उसका भी जोर काफ़ी है। अच्छा, और वो अपने बिट्टू प्रधान जी का भी जोर बहुत है। कांग्रेस का भी फाइनल नहीं हुआ, देखो क्या बनता है। तो क्योंकि दिनेश यहाँ से, दिनेश सिंह जो विधायक हैं वो 3 बार जीते हैं। पहले जरूर था कि अकाली और उनके बीच में गठबंधन था, अब की बार अकाली अलग लड़ रहे हैं, बीजेपी अलग है, ठीक है। तो लगता है कि कुछ फर्क आएगा, या लगता है कि बीजेपी पहले की तरह यहाँ पर मजबूत दिखाई देगी? नहीं नहीं, इस बार बीजेपी मजबूत नहीं है इधर, इस बार बीजेपी नहीं है। तो टक्कर किन किन पार्टियों के बीच में आपको लगता है मुकाबला 4-कोणीय होगा, 3-कोणीय होगा, या फिर 2 के बीच? जो मुकाबला चल रहा है ये आम आदमी पार्टी और अपने बिट्टू प्रधान जी के अकाली में, लेकिन जब कांग्रेस का कोई फाइनल होगा फिर उसका भी बीच में देखें, त्रिकोणीय हो जाएगा। हाँ जी, आप क्या चाहते हैं मित्र, बताएं जरा। नहीं नहीं, आपकी भी राय अहम है, आप भी वोटर हैं, ये बताएं कि क्या लगता है इस बार माहौल किसका बन रहा है? सभी का ही है इस समय तो। अच्छा, सभी की आवाज है। आगे पीछे क्या लगता है कि सबके बीच में मुकाबला है, या फिर लगता है कि साहब ये थोड़ा सा ज्यादा ठीक लग रहा है? ये मौके पे पता चलेगा क्या है। हाँ जी, हवा देख के रुख बदलेंगे? नहीं नहीं, रुख की बात नहीं है, मौके पे पता चलेगा क्या। रोला तो सभी का पड़ा हुआ है। अच्छा, हाँ जी हाँ जी, मतलब वोटर मौका देख के चौका मारेगा? वोटर की बात नहीं, वोट तो है ही है। अच्छा, हाँ जी, बाकी मौके पे पता चलेगा क्या क्या नहीं। मौके पे पता चलेगा ये कह रहे हैं साहब, क्योंकि चुनाव जो है वो लगातार बदलता है, राजनीति बदलती है, उम्मीदवार जैसे जैसे मैदान में आते हैं वैसे वैसे स्थिति बदल जाती है। इनसे बात कर लेते हैं। हाँ जी सर, कैसे हैं आप? सर मैं एक बात जानना चाहता हूँ, चुनाव आ गए हैं, क्या माहौल बना रहे हैं अब की बार सुजानपुर वाले, लगता है किस पार्टी को मौका देंगे, क्या माहौल बन रहा है किस पार्टी का? देखो सर, अभी कोई डिसाइड नहीं है, अभी कुछ नहीं। वैसे क्या लगता है कि पार्टियों के बीच में आपको लगता है कि किन्हीं पार्टियों के बीच में टक्कर है, कांटे की टक्कर है, या लगता है क्योंकि सब ये आगे चल रहा है? इस पर आपकी सरकार बनेगी सर, जैसा लगे। उनमें क्या खास चीज़ नज़र आती है कि रुझान उनकी तरफ? वैसे लोगों ने दोनों को जमा के देख लिया, लोग सोचते हैं एक बार इनको मौका देना चाहिए, तीसरा विकल्प देखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, चलिए, तीसरा विकल्प लोग देखना चाहते हैं, इसीलिए लोग ये कह रहे हैं कि साहब अब की बार
हाँ जी सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। चुनाव आ गया, क्या लगता है इस बार सुजानपुर वाले क्या सोच रहे हैं, किस पार्टी को मौका देंगे? कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस कुछ काम वाम करवाए हैं कांग्रेस ने या फिर कैसे, मतलब उसके प्रति रुझान? नहीं, कांग्रेस को काम करवाया। वैसे तो बीजेपी के विधायक थे आपके यहाँ से, लगातार 3 बार जीते हैं, फिर भी सरकार प्रदेश में उनकी है कांग्रेस की, तो काम करवा पाए? काम करवाया, बहुत ज़्यादा काम करवाया। ये कह रहे हैं कि काम करवाए हैं और इसीलिए वो चाहते हैं। हाँ जी, कैसे हैं आप? एक बात बताएं मुझे, चुनाव वुनाव आ गया है, क्या माहौल बना रहे हैं सुजानपुर वाले? माहौल अभी देखो बता दो बस। देखो अभी है सबका जोर है। क्या लगता है कि अब की बार किस पार्टी? देखो ये बात, सबका मतलब जोर है, टक्कर है सब में, क्या बता? टक्कर है किस किस पार्टी? सब वही कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी, आम आदमी पार्टी, तीनों की टक्कर बराबर। कौन ये मुकाबला है? अकाली वकाली का? अकाली भी है सच, हाँ अकाली भी है। और ये बाकी कैप्टन अमरिंदर जी कह रहे हैं कि हम भी बीजेपी के साथ लगेंगे, तो बीजेपी का भी कुछ माहौल ठीक बन? बोला ना चारों का मुकाबला टफ है, चारों का। ठीक है सर, बच रहे हैं आप, बात बता नहीं रहे हैं ओरिजिनल। हाँ जी आप बताएं सर, ये तो बच रहे हैं आप, ओरिजिनल बात बताएं मुझे। किसे कहाँ? आप ये बताएं मुझे, सुजानपुर में क्या माहौल बन रहा है चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर, चुनाव को लेकर अभी तो खिचड़ी है। खिचड़ी? अभी तो खिचड़ी है। अच्छा। अरे मौके पे है, मौके पे है, क्योंकि करीबन समझ लो 10-15 दिन की बात होती है। अच्छा। माहौल का जैसे आगे चलेगा मामला, वैसे वैसे तस्वीर साफ होती जाएगी। आजकल वोटर का कुछ नहीं कहा जा सकता। अच्छा, वोटर भी समझदार हो गया पूरा। जो लड़ने वाले कम समझदार हैं, जो डालने वाला उससे ज़्यादा समझदार है। अच्छा, बताता नहीं है अंदर की बात कोई नहीं बताता, सही बात है। बिल्कुल, वोटर को भी समझदार होना चाहिए, जब नेता समझदार हैं तो वोटर क्यों नहीं है सर। ठीक है, ये कहने के साथ वोटर जो है वो बताता नहीं है अंदर की बात, इसीलिए आपकी बार स्थिति का पता नहीं चल पा रहा है। अरे सर क्या हाल है, आप बताएं मुझे। हाँ जी बोलिए सर, बना रहे हैं अब सुजानपुर में? मोल सर, जो अच्छा काम करेगा उसी को वोट देंगे सर। कौन लगता है ये तमाम पार्टियाँ आपके बीच में हैं, पहले जो पार्टियां हैं वो उनके साथ साथ नई पार्टियां और मैदान में आ गई हैं, क्या लगता है कि किस पार्टी में ऐसा जज्बा है जो काम करा सकते हैं? सर इस बार तो कोई भी नहीं लगता कोई भी काम करेगा, काम तो कोई भी नहीं कराता, वादे करके भाग जाते हैं सारे। काम तो क्या करेगा वोटर? नो ऑप्शन, लास्ट बटन नोटा, ओनली नोटा, बस नोटा में विश्वास हो गया है। जी हाँ जी, कोई नहीं काम करता भी। नेता आते हैं तो सवाल नहीं करते आप लोगों के? जी आप, हाँ कर देंगे, करता कोई भी नहीं है। हाँ जी ला रहे हैं बस बोल के चले जाते हैं, उसके बाद आता कोई भी नहीं है। वैसे क्या लगता है कि पार्टियों के बीच में यहाँ पर टक्कर आपको नजर आती है या लगता है कि कोई आगे चल रहा है? नहीं सर, टक्कर तो है थोड़ी कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। कांग्रेस और बीजेपी? हाँ सुजानपुर में। हाँ जी, नया बंदा मतलब नई पार्टी का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, सिर्फ इन दोनों का। उनका भी बिट्टू अंकल का, बिट्टू प्रधान, उनका भी अकाली से? अकाली। हाँ जी हाँ जी, बी एस मुकाबले में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, त्रिकोणीय मुकाबला? त्रिकोणीय त्रिकोणीय। हाँ जी, अकाली बीजेपी और कांग्रेस, कांग्रेस के बीच में। हाँ जी, समीकरण जो है बदल जाते हैं, जिस तरीके से पिछली बार अकाली बीजेपी इकट्ठे थे और अब की बार अकाली अलग बीजेपी अलग चुनाव लड़ रहे हैं, तो स्थिति बदल गई। हाँ जी कैसे हैं आप, मुझे बताएं कि चुनाव आ गया है क्या माहौल बन रहा है, किसके बीच में अब की बार मुकाबला या किसकी सरकार क्या बना रहे हैं? सुजानपुर वाले कर क्या रहे हैं वोटर? सर इस बार तो अभी कुछ पता नहीं चल रहा है वैसे, लेकिन टक्कर जो कांग्रेस और आप में होगी, कांग्रेस और आपके बीच में। जी, क्योंकि जो किसान विरोधी आंदोलन है ना, उससे बीजेपी का वोट तो टूट गया है, तो टक्कर जो उसमें होगी अपने, लेकिन मोदी जी ने जो रूल वापिस लिया है उससे थोड़ा फायदा होगा, थोड़ा सा बीजेपी को दोबारा से आप थोड़ा फायदा होगा, लेकिन पंजाब में तो आपको पता ही है कि अकाली की क्या स्थिति रहेगी। अभी सर कुछ कह नहीं सकते अभी। मतलब मुकाबला आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, लेकिन सरकार किसी की भी नहीं बनेगी, सरकार जो है खिचड़ी बनेगी। खिचड़ी बनेगी, किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं, स्पष्ट बहुमत किसी को भी नहीं होगा। ठीक है, सुजानपुर में टक्कर है आप ये कह रहे हैं,
सुजानपुर में अकाली तो शायद निकल जाए बिट्टू प्रधान की वजह से, अकाली तो शायद बिट्टू प्रधान का अपना क्या ऐसा प्रभाव है या फिर पार्टी का प्रभाव? बिट्टू प्रधान का अपना ही, वो अपने अपने दम पे ले जाएगा, अदरवाइज पार्टी के दम पे कुछ नहीं, अकाली के दम पर नहीं, नहीं उनका अपने वजूद से निकाल जाए तो निकाल जाए। ठीक, इनका ये कहना है कि साहब कैंडिडेट का खुद का प्रभाव है, ये बात भी ठीक है साहब। कुछ कैंडिडेट होते हैं जिनका अपना वर्चस्व होता है। आप मुझे ये बताएं, चुनाव वुनाव आ गए, क्या माहौल बन रहा है सुजानपुर की जनता आपकी बार क्या सोच रही है, किस पार्टी का माहौल यहाँ पर ठीक है? सर इस बार कांग्रेस का ही लग रहा है या आम आदमी पार्टी का लग रहा है, दोनों का ही लग रहा है। हाँ जी, दोनों के बीच सुजानपुर में तो नहीं है, सुजानपुर में तो कांग्रेस ही है, कांग्रेस या बीजेपी होगी। अच्छा। पंजाब में आप पूछा मैंने, पंजाब हाँ। अच्छा। सुजानपुर में किस किस के बीच में टक्कर दे? सर अभी कांग्रेस की टिकट तो मिली नहीं है, बाकी देखते हैं जिसे मिलेगी फिर तभी बता सकते हैं, ऐसे कैसे बता सकते हैं। पार्टी लेवल पे कोई माहौल नहीं बन रहा है अभी, मतलब कैंडिडेट तो आएंगे, बाकी पार्टी लेवल पे आपको लगता हो कि साहब ये पार्टी, क्योंकि पहले से आपके यहाँ बीजेपी के जो विधायक हैं दिनेश सिंह वो तो हैट्रिक लगा चुके हैं, उससे पहले कांग्रेस थी यहाँ पर, ठीक है, नई पार्टियाँ अब मैदान में आई हैं, अकाली बीजेपी से अलग होकर लड़ रही है, तो क्या लगता है कि मुकाबला त्रिकोणीय रहेगा, दो के बीच में रहेगा या चार कोणीय मुकाबला हो जाएगा? सर फिलहाल तो सुजानपुर का इतिहास है कांग्रेस प्लस बीजेपी, दोनों में से कोई जीतता है वही, उन दोनों में से कोई जीतेगा। हाँ जी, ये कह रहे हैं कि सब सुजानपुर में या तो कांग्रेस या फिर बीजेपी आती आई है, तो इतिहास ऐसा है तो इतिहास हो सकता है दोबारा से वो हो। हाँ जी, कैसे हैं आप? ठीक है। फिर बताएं, चुनाव आ गया है, हमारी तो जरूरत है जी, चुनाव को क्या करना हमने, लेबर की जरूरत है। तो फिर लेबर तो आपको ढूंढनी पड़ेगी, सरकार तो नहीं कर पाएगी उसको, कर रहे हैं सरकार क्या करेगी हमारे लिए, हम खुद ही करेंगे जो करेंगे। सरकार वरकार किसकी बनाएंगे? जिसकी बनेगी हमारे को सब मालूम है, जिसकी बनेगी वही अच्छी है। अच्छा, आपके लिए सब अच्छे हैं? हाँ जी, हमने कमाकर खाना है, कमाकर खाना है। हाँ जी, चलिए, सरकार का कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं है, लेबर को क्या फर्क पड़ेगा। अच्छा, वो अपने हाथ से कमाएगा तो अपने हाथ से खाएगा। आप बताएं साहब, सरकार वरकार का कुछ फर्क पड़ रहा है? ठीक है, जो भी करेगी सरकार अपने इलाके के लिए तो बढ़िया करेगी। कौन सी करेगी ठीक? अब की बार कौन सी लेकर आएंगे? जब से पहले वो हर कोई सरकार जो भी आई है तो ठीक ही कर रही है, बीजेपी हो जो भी हो देखना तो उसको ही है, लोगों ने चुन के भेजा उसे, सरकार कोई गलत काम तो करेगी नहीं। बीजेपी के विधायक तीन बार यहाँ से जीते हैं, अभी भी वही हैं दिनेश सिंह विधायक हैं, तो ऐसे में क्या लगता है कि अब की बार जनता, क्योंकि चुनाव आ गया, अब की बार किसी और को मौका देगी पार्टी को या लगता है कि बीजेपी पर विश्वास जताएगी? नहीं, जो बीजेपी ने बढ़िया काम किया है, हाँ ठीक ही है, इसलिए तो जनता भेज दी है, तीन बार तो भेज दी है, ऐसे तो कोई भेजता नहीं है। हाँ जी, आप क्या चाहते हैं मित्र, बता दें। बीजेपी आना चाहिए, बीजेपी आना। हाँ, क्या क्या काम ऐसे हुए हैं जो आपको लगता है जो रुके हुए काम थे सभी हुए हैं? कौन कौन से? अयोध्या 370। अच्छा, राष्ट्रीय स्तर वाली बात कर रहे हो? हाँ हाँ, अंतर्राष्ट्रीय पे जाइए, अंतर्राष्ट्रीय पे जाइए, हमें तो ये कह रहा हूँ साहब, प्रदेश की सरकार की बता जाइए कि प्रदेश में पंजाब में चुनाव है, तो पंजाब की सुजानपुर की जनता सुजानपुर विधानसभा सीट के बारे में क्या सोच? इसके बारे में तो अभी इधर तो कुछ है नहीं, अभी अभी इतना रोला नहीं है किसी भी पार्टी का, अभी सब कुछ मिक्स ही है, अभी चल रहा मिक्स ही है। हाँ जी, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? ठीक है जी। ये बताएं, चुनाव आ गया है, क्या माहौल बना रहे हो, अब की बार किसको जिताओगे यहाँ से? पता नहीं कौन किन जितना जी, सतारह अठारह जने खड़ोना, की पता करने जितने से किन्ना होना, आपको जिताना है, वोटर आप हैं, तो ये तो बता दो कि कौन सी पार्टी पसंद आ रही है। वोटर ता बोलेगा जे कोई ठेकेदार चजदा आएगा ते। अच्छा। तो जे ठेकेदार ही खराब आएगा तो की करना वोटर नु, बस कोई पार्टी वार्टी ठीक लगती है? कोई सारियां पार्टियां ठीक नहीं जी भाजी। अच्छा, माहौल किसी पार्टी का बन रहा है? कोई नहीं है सुजानपुर में, कोई माहौल नहीं, अभी कैंडिडेट नहीं कोई खड़ा हुआ है, कैंडिडेट आएंगे तो तब। अच्छा, पहले पार्टी स्तर पर कोई माहौल नहीं, लोग तो यहाँ यात्राएं कर रहे हैं, इधर से उधर कोई घोषणाएं कर रहे हैं, वो तो वैसे करते रहते हैं, पार्टी वाली तो करती रहती है, वोटर इस बारे में अभी नहीं सोच रहा। हाँ जी, आप क्या सोच रहे हैं?
नहीं सर, हम तो जो देखो क्या बनता अभी तो। आपका दिल क्या कहता है, किस पार्टी की बननी चाहिए? अब तो कुछ पता नहीं चल रहा है। सुजानपुर में एमएलए आप चाहते होंगे, किसी ना किसी पार्टी का बने, आपके दिल की बात होगी, बताओ जरा। पर मैं इधर के नहीं ना, मैं पठानकोट का रहने वाला हूँ। मैं पठानकोट का रहने वाला हूँ। पठानकोट में क्या माहौल बना रहे हो? पठानकोट में देखो अभी कुछ पता नहीं लग रहा कौन सा क्या माहौल है, कुछ पता नहीं लग रहा। यहाँ क्या करते हैं आप? जहाँ पर ये मरी दुकान है ना, हमारी दुकान है। लोगों को आते हैं क्या कहते हैं, किस पार्टी के बनाएंगे? अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा। नहीं बता रहे हैं अभी तो कुछ पता नहीं। ठीक है सर, ये कह रहे हैं लोग साइलेंट है, बता नहीं रहे हैं। मुझे ये बताएं, चुनाव आ गया है, सुजानपुर की जनता आपकी बार क्या सोच रही है कि किस पार्टी को मौका दें ताकि सुजानपुर के लिए वो पार्टी ठीक रहे? अभी तक राजनीति का हमको इतना ज्ञान नहीं है। तो आप डालते होंगे? वोट डालते हैं वो समय के अनुसार ही देखेंगे। जो वोट डालते हैं तो क्या चीज़ देखते हैं वोट डालते समय, कि किस तरीके से वोट डालते हैं? देखते हैं और पार्टी भी देखते हैं, दोनों देखते हैं। अगर पार्टी में उम्मीदवार अच्छा खड़ा किया हो तो फिर उसे वोट है, नहीं खड़ा अच्छा हो तो फिर दूसरी पार्टी को। हाँ जी, यही पूछ रहा हूँ कि कोई पार्टी आपको ये लगता हो, अब तो तमाम पार्टियाँ आपके बीच में हैं, नई पुरानी बहुत हैं, तो कोई लगता है कि साहब ये ठीक है, इसको बना देते हैं आपकी बात? ये तो समय आने पे ही पता चलेगा ना। अभी नहीं पता चलेगा ना। ये कह रहे हैं कि अभी वक्त लगेगा इनको चीज़ों को समझने में, और तभी ये तय कर पाएंगे कि आखिर क्या करना है। हम ये पूछने आए हैं आपसे कि चुनाव आ गया है, सुजानपुर की जनता क्या चाहती है कि अब की बार किस पार्टी का विधायक यहाँ से चुनाव? अभी तो विधायक का कोई पता नहीं है, सीटें नहीं कन्फर्म हुई, जो आएंगे उसको डाल देंगे। पार्टी स्तर पर पूछें तो ये पार्टी ठीक है, ये पार्टी ठीक नहीं है, क्या लगता है? कांग्रेस को ही डालेंगे, शुरू से कांग्रेस को डालते हुए आए वोट हम। अच्छा। कांग्रेस पक्का है हमारा। तो वजह क्या है, मतलब आपको कांग्रेस के काम अच्छे लगते हैं, काम करते हैं, या कोई और वजह? नहीं, उनके काम अच्छे लगते हैं हमें कांग्रेस के। हाँ ठीक है, इसलिए आप चाहते हैं कांग्रेस? कांग्रेस बिल्कुल ठीक है जी। हाँ जी, क्या हाल आपके? ये कह रहे हैं कि आप बहुत बात करते हैं भैया, राजनीतिक ज्ञान वो आपको, मुझे की बात बता देंगे आप अंदर? मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा, तो बता तो दें हमें कि सुजानपुर में आपकी बार किस पार्टी का माहौल बन रहा है? अभी तक तो कुछ नहीं पता भैया। अच्छा, वो पार्टियां तो सब आके बता रही हैं साहब हम ये करेंगे हम वो करेंगे, तो फिर वोटर क्या सोच रहा है? खिचड़ी पकेगी इधर। खिचड़ी? खिचड़ी तो स्टेट में पकेगी, ठीक है, इधर तो विधायक तो एक ही बनेगा, मुकाबला किसके बीच में है? अभी तक कुछ पता नहीं है, बीजेपी का तो है ना, कांग्रेस का है, आम आदमी पार्टी का है थोड़ा। आम आदमी पार्टी? हाँ जी। अच्छा, उसको कैसे पसंद कर रहे हैं? वैसे ही पहले भी वो राजनीति में थे, अभी कांग्रेस का टिकट डिक्लेयर नहीं हुआ, उसके बाद ही फाइनल होगा। अच्छा। चलिए भाई, इनका ये मानना है कि कुछ जो है लोग पार्टी से जुड़े हुए हैं कुछ बगैर। हाँ जी, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? क्या लगता है इस बार सुजानपुर के लोग क्या करना चाहते हैं, वोटर क्या सोच रहे हैं? वोटर तो सोच रहा जी, अभी तो टिकट नहीं लॉन्च हुई, किसको मिलेगी किसको नहीं, जब मिलेगी तो फिर देखना पड़ेगा। पार्टी स्तर पर आपको क्या लगता है कि कोई पार्टी आपको ठीक लगती हो कि साहब इसके प्रदेश में सरकार बन जाए तो बेहतर है? देखो जी, हमें तो कांग्रेस ही अच्छी लगती है। कांग्रेस ने क्या काम कुछ ऐसे किए हैं जिनको आपको लगता है ये फिर कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए है कि जी कांग्रेस की डाल रही है? नहीं नहीं, कांग्रेस के ऐसी बात नहीं है, कि जैसे चल रहा था अच्छा था, जब से बीजेपी आई है तो देश का तो बेड़ा गर्क हो गया। अच्छा, इसलिए आप चाहते हैं कि कांग्रेस? हाँ ठीक है, ये बात भी ठीक है। सब जिसको जो पसंद है उसकी अपनी अपनी राय आप बताएं, और अपनी अपनी जो राय है उस आधार पर चुने। हाँ जी, कैसे हैं? ठीक है। पूर्व वाले किस पार्टी को चुनने वाले? अभी भैया कोई टिकट तो लॉन्च हुआ ही नहीं है किसी का, ना कांग्रेस का है ना बीजेपी का हुआ है, अभी आप चल रही है, अकाली दल वाले आ रहे हैं, और तो कोई आ नहीं रहा। लगता है मुकाबला रहेगा किसी पार्टी में, या फिर लगता है कि साहब नहीं इसका मामला थोड़ा ठीक है? मुकाबला तो तीनों का होगा। तीनों का? किस किस का? कांग्रेस का, आपका तो, और अकाली का। कांग्रेस आप और अकाली? हाँ, तीनों का। बीजेपी नहीं है? बीजेपी का पत्ता साफ है। बीजेपी साफ? बीजेपी को तो देखता ही नहीं है कोई। तो सिंह को तीन बार देख लिया? नहीं, अब नहीं, बस वो काम खत्म हो गया अभी उसका। अच्छा? वो बिल्कुल ठीक है।
तो आपने सुना कि तमाम जो लोग हैं उनसे हमने बात की, तमाम लोगों ने अपनी राय रखी और बड़ी बेबाकी से बताया कि किस पार्टी को आखिर क्यों पसंद कर रहे हैं। इसी तरीके से आपको किसी और हलके में लेकर चलेंगे और वहाँ की जनता से आपको रूबरू कराएंगे और बताएंगे कि वहाँ की जनता के मन की क्या बात है।